वेलकम बैक टू अरुस चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपका चैनल तो है नहीं, आप क्या कर रही है। तो मैं अरु को मोटिवेट कर रही हूँ कि वो व्लॉग स्टार्ट करे। वो गई है लिपस्टिक लगाने, तो मैंने सोचा मैं कर दूँ इंट्रो। तो वेलकम टू वीक इन माई लाइफ और डे इन माई लाइफ। एनी पॉइंटलेस व्लॉग, पॉइंटलेस व्लॉग है, एनी रैंडम व्लॉग है। Hi Pyaroos, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you new to this channel, hi, my name is Arundhati and you all are my Pyaroos and I'll be really happy and grateful if you'll just take a moment and subscribe to my channel below. अभी जो मैंने 5 सेकंड पहले किया था वो क्या था वो? और इसने 5 सेकंड में बोला था, मैंने इसका 1 घंटा लगाया है। Guys, this is as Srishti said, बहुत ही pointless vlog है। और ये हम इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि Srishti ने अभी हमें डांट दिया है। उसने मेरे वॉच आवर्स देखे और उसने बोला कि लो बाटी खाओ। उसने मेरे वॉच आर्स देखे, उसने बोला कि तुझे कदर नहीं है अपने ऑडियंस की। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसने मुझे डांटा डांटा डांटा, तो मैंने सोचा फाइनली आज व्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो टुडे वी आर हियर एंड Srishti इज ईटिंग दाल बाटी एंड आई एम वॉचिंग हर, क्योंकि मैं नहीं खा रही। बस अब मुझे नहीं पता मैं इस व्लॉग में क्या दिखाऊंगी, और मैं इसका टाइटल भी यही डालूंगी, पॉइंटलेस व्लॉग। ओके, सी यू गाइस। Srishti, व्हाट आर यू रीडिंग? I am reading Arundhati's vlogs, fans comments. Fan comments है कि hate comments नहीं कहते कि इनको, इतने सारे comment कर दिए, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। Don't smile, guys. Don't smile while drinking water. You have seen what was happening with our friends while she drinking water. She knows the accent of the guy also. Wow, yeah, Srishti. Very proud of you. हम आ गए हैं guys lunch करने हमारे brunch house पे, क्योंकि जो मम्मी ने खाना दिया था हमने आते ही खत्म कर दिया। वापस भूख लग रही है। फिर उसके बाद जाएंगे NBC, क्योंकि NBC भी खुल रहा है। Srishti, how excited are you? कुछ नहीं, मुझे तो ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। क्यों? फिर भी पैसे खर्च करने का तो मन ही है। हाँ, पैसे बालने होते हैं। Also, हाँ। मैं हमारी पीछे also we miss Rupa. Yeah, we miss Rupa so much. Guys, next day again at brunch house eating food. Cheers. Eating. अरे मोमोज उड़ गया। आप मैगी देख लो। Srishti, लो खा लो। हमारे पास कुछ है नहीं दिखाने का, तो मैंने फिर भी सोचा कुछ तो शूट कर लिया जाए। देखते हैं आप हमसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको हमारी शक्ल पर निराशा दिख रही है तो यू हैव टू गेस करें। हाँ, यू हैव टू गेस। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वी आर सैड। नहीं, वो कारण नहीं है हमारे अंदर से। नॉट हिम, कांट बी। यस, मैं तो बहुत दुखी हूँ। Srishti भी होने वाली है दुखी। मैं पहले ही दुखी हूँ, मैं जब से पेपर देखे उसको पहले पता है। वो अब बता दिया तूने तो वो तो पता ही है। पेपर पेपर से रिलेटेड कुछ है, पर हम पूरी बात एक्सपोज नहीं करेंगे। क्या ही करोगी आप? क्या ही करोगी दीदी आप? इतना पैसा आपके पास है और पैसा कमा के क्या करोगी? मेरे पास नहीं है। हम बैठे थे, हम देखो मैं बता रही हूँ क्या हुआ। हम क्लास में बैठे थे, बैठे थे बहुत ज्यादा ही बोर हो रहे थे, मनुष्यत में गर्त में जाते जा रहे थे। मुझे याद आया, फिर इसने सोचा कि मैगी खानी है, तो हमने क्लास के 15 मिनट बचे हैं और इतनी देर से लंच हो रखी थी, हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। पर जब क्लास स्टार्ट होने में 5-10 मिनट बचे ना, और हमें पता है कि क्लास शूटिंग है। यस, आ जाओ। एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हमारे वीडियो में डेब्यू करने वाला है, ऐशनी दी। मैं बताना चाहती हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप आए नहीं ना मेरे वीडियो में। ये भाई ये बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत ही दुख की बात है कि ये आज तक ये सेलिब्रिटी हमारे वीडियो में नहीं आया यार। आज हमारी वो थी क्लास फोटो, क्लास पिक्चर। तो मैं वैसे भी नहीं आती हूं। मैं कह रही थी जरा मैगी खा के आते हैं। आज आप मेरे यूज के लिए आए। यू वांट टू से समथिंग टू माय ऑडियंस? ओह माय गॉड, सन भाई वो सन किस डाल रहे हो और क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आई वांट एवरीथिंग। तूने फैशन के लिए बाल खोला ना? नहीं, ऐसा कौन सा फैशन देख रहा है मुझे इसमें? फिर लोग कहेंगे आई लाइक गर्ल्स। ये हमने इसको गिफ्ट में दिया था। आई लाइक गर्ल्स विद बडीज। आई लाइक गर्ल्स विद बडीज, इसलिए मैंने कहा बाल खोल लूं। आई लाइक गर्ल्स विद एयर्स भी आ जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कौन ही एक पागल सा आदमी है भाई, वो मेरा ये व्लॉग देखे तो भाई प्लीज इसमें मत करना अनचंड कमेंट, और करे तो टाइपो मत किया अगर भाई समझ में ही नहीं आता। मेरे टाइपो पढ़ने के लिए Srishti काफी है, मतलब मेरे टाइपो नहीं, मैं इसके टाइपो पढ़ने के लिए बहुत है नफ है वो, जो मैं इसकी बात समझने की कोशिश करती हूँ। पर प्लीज, एक तो हमारे सारे सीनियर साइन की क्लास फोटो है लास्ट, ऐसे हमारी भी लास्ट ईयर होगी, हमारी भी लास्ट। दिल पे लग गई। एज इफ जितने दुख हम आज झेल रहे हैं, दैट दोज वर नॉट एनफ। जैसे ही कुछ बात होती है ना, अच्छा पल आता है, तो Srishti मुझे याद दिला देती है कि भाई नेक्स्ट ईयर अपना 5th ईयर होगा, अपन आना बंद हो जाएगा, दुखी कर देती है। फिर मैं इनको बताती हूँ कि मैं तुझे कुछ एफर्ट कराऊंगी नहीं।
और उससे हम दुखी थोड़े रहते हैं। भाई NBC तो आज हम पहली बार जा रहे हैं खुलने के बाद। अरे सुनने में आया 20% ऑफ है। हाँ 3 दिन ऑफ है। चलते 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 क्यों? हाँ आप लोग जो 20% ऑफ है वो हमारी वजह से है। हाँ, तो आप लोग ही तो पिला रहे हो मतलब? ऐसे कुछ नहीं, तुम्हारा हमारा कोई व्यवहार नहीं है। अरे दिख रहा है गाइस, iPhone वर्सेस Samsung डिबेट स्टार्ट कर दो नीचे कमेंट्स में। इसको ब्लॉक करो, ये जहाँ दिखे तू बंद कर, अब बॉर्डर करने जाऊँ। मेरे वीडियो में भी अपडेट दे दे कि हम कहाँ हैं। हम आए हैं ओल्ड GNG न्यू NBC। NBC खुल गया हमारे, तो अभी 3 दिन 20% ऑफ है, हम उस ऑफर को अवेल करने आए हैं गाइस। पर उससे पहले ऑर्डर देना भी पड़ेगा। क्या बोला सृष्टि? मैंने कहा ये सब टेम्पररी है, इसके ब्लॉग में मैं कंपलसरी है। कब से खड़े हैं ऑर्डर करने के लिए, 20% ऑफ के चक्कर में सब भीड़ आ रही है। अभी तक जिस बेवकूफ को हमने दिया कहा था वो पहुंचा भी नहीं है वहां तक, इससे पहले तो हम ही पहुंच जाते। सैमसंग पीपल, सैमसंग हैंगस्टन है इसीलिए बस उसके लोग भी हैंग करते रहते हैं। गाइस एक घंटे के वेट के बाद फाइनली आ गया हमारा ब्राउनी शेक। कितनी मेहनत के बाद, अरे क्या पतली पतली मोटी मोटी, कितनी मेहनत के बाद लाया बता दे। छोटी चश्मा क्यूट थी, कितनी मेहनत से लाया बता दे। दे नहीं रहे थे फिर क्या किया? इसको व्लॉग में डाल मत देना गलती से भी, क्योंकि वी आर नॉट सेट अप। हाय गाइस, सो दिस इज़ दी अदर डे। कल मैं ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपडेट दे दूँ। वाइल आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, मैं अभी बस अपना स्किन केयर कर ही रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा लिटिल अपडेट दे देते हैं। सो आज इज सैटरडे एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज बिकॉज मैं अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ। फिर वंडरिंग की डॉक्टर वाई, तो बिकॉज ऑफ दिस। एंड इफ यू आर ऑल्सो वंडरिंग कि ये कब हटेंगे, तो गाइज आई हैव नो आइडिया। मुझे ऐसा लगता है जब मेरे दांत खुद गिर जाएंगे ना तब उनके साथ ही ब्रेसेस भी गिर जाएंगे। सो अभी हम वही डॉक्टर के जा रहे हैं, फिर वहां से हम डायरेक्टली रूपा से मिलने जाएंगे। अगर मैंने आपको अभी तक व्लॉग में अपडेट नहीं दी है कि रूपा कहाँ है, क्यों नहीं दिख रही है हमारे लास्ट 2 दिन से हमारे व्लॉग में, सो दैट्स बिकॉज कि उसकी ना लेग सर्जरी हुई है, शी मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, तो उसी रिगार्डिंग मतलब वही उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो उसकी सर्जरी हुई है तो हमें उससे भी मिलने जाना है। और आज सुबह से ना हम बड़ा फन सा दिन जा रहा है बिकॉज आज शैली का कॉन्वोकेशन था, तो हम सुबह 6 बजे उसको तैयार करने गए थे, तो हम एकदम ऐसा गए थे नींद में और इट वाज सो फन। आई शुड हैव शॉट दैट बट मेरे को ना दिमाग में नहीं आया बिकॉज बहुत ही ऐसा नींद में उठ के गए थे और बहुत जल्दी जल्दी फट रेडी कर रहे थे, तो फोन उठाने का टाइम ही नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। एंड शी वॉज लुकिंग प्रिटी, सो मैं बस अभी अपना स्किन केयर कर रही थी। आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग आई गेस, मैंने सब लगा लिया, अपना स्किन केयर सब हो गया है, बस लिप बाम है जो मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ बिकॉज आई एम नॉट सैटिस्फाइड। दिस इज द स्विस ब्यूटी लिप बाम, इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। 1:30 मुझे जाना है और 1 बजने वाले हैं, तो ठीक है 1 बजे निकल जाऊँगी मैं, आधे घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगी। थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, मन सा हो रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मुझे, यू कैन सी, बट कोई ना। और अगर ये वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में ही आ रहा था कि मैं इतना ज़्यादा ही इनएक्टिव क्यों थी, तो दैट्स बिकॉज देयर इज नो रीज़न, मेरे को कोई जस्टिफिकेशन देना भी नहीं चाहिए। हर दूसरे तीसरे व्लॉग में ये मैं यही बोल रही होती हूँ कि मैं इनएक्टिव थी। मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती हूँ बीच में, फॉर सम रीज़न एकदम से मेरे को ऐसा माता आती है कि वीडियो डालने बहुत सारे वीडियो डालने, फिर मैं एकदम से गायब हो जाती हूँ। मैं शॉर्ट्स भी डालना भूल जाती हूँ, मैं मतलब शॉर्ट्स डालना भूल नहीं जाती, मुझे आलस आने लग जाता है। मेरे सामने प्रोडक्ट पड़ा हो तो मैं उसको शूट नहीं कर सकती। अब सो मच कंटेंट जो कि ऐसा अनएडिटेड पड़ा है, मैं इतनी बार अपनी फैमिली के साथ 2-3 बार गई हूँ, मैंने डे इन माई लाइफ भी व्लॉग कर रखे हैं, बट मेरे से वो एडिट ही नहीं होता। मतलब मेरे को तो यूट्यूबर बनने से पहले ही एक एडिटर होना चाहिए था मेरे पास। सो मेरे को बहुत आलस आता है गाइज, प्लीज़ अगर ये मैं टाइम से डाल दूँ, विच आई विल ट्राई बिकॉज मेरे सारे दोस्त मुझे डांट रहे हैं, अगर वो मुझे मोटिवेट कर पाते हैं और मैं कुछ डाल पाती हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे जाके ना डांट देना बहुत तेज, एकदम से बोल देना कि भाई डाल वीडियो डाल, बिकॉज ऑफ सो मच कॉन्टेंट और मैं ना उसको डिलीट कर पाती हूँ ना मैं उसको एडिट कर पा रही हूँ, तो जस्ट मिस। और मैंने पता है दिवाली का भी मेरे पास है स्टोरी टू टेल यू गाइज, मैं ना उसका व्लॉग बनाना चाहती थी बिकॉज ऑब्वियसली दिवाली व्लॉग तो बनता ही था। सो मैं दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन से वो वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट करना चाहती थी एंड आई ऑलमोस्ट गॉट माई सेल्फ किल्ड बाय बर्निंग हाफ ऑफ माई हेयर, तो उसके बाद मेरा माहौल ही खत्म हो गया वीडियो बनाने का। देन मैंने सोचा कि कोई नहीं दिवाली वाले दिन बनाएंगे, तो उस दिन मेरी मम्मी ने अपनी साड़ी जला ली, तो मुझे ऐसा लग गया पता नहीं क्या हमारे ऊपर सुपरस्टिशियस सा कुछ हो रहा है, हम पे नज़र लग गई है ऐसा वैसा, तो बस फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके ना वीडियो स्टार्ट किया फ्रॉम गोवर्धन,
और मैंने व्लॉग व्लॉग बनाया भी, बट इट वॉज ऑल अबाउट द इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। और फिर मैं ना उसमें एंड में बोल भी रही हूँ कि काश हम वर्ल्ड कप जीत जाएं, और ये बस मुझे इस वीडियो में नहीं बोलनी चाहती थी क्योंकि तुम सबके घाव हरे हो जाएंगे। बट मतलब वो था, वो सब था, फिर इवेंचुअली इंडिया हार गई, कोई बात नहीं, मोए मोए हो गया एकदम से वीडियो में। सो इंडिया हार गई, फिर इसके बाद मेरा ना वो व्लॉग डालने का मन ही नहीं हुआ, वो इतना दिन हो गया कि फिर कोई पॉइंट भी नहीं था कि मैं एक महीने बाद तुम्हें वो दुख वापस याद दिलाऊं, तो वो मैंने नहीं किया शूट। उसके बाद भी मेरे पास मौका आया पर मैं पता नहीं शूट ही नहीं कर पा रही, मेरे साथ कुछ दिक्कत हो जाती है, और जब शूट करती हूँ तब इतना शूट करती हूँ कि बोलती रहती हूँ। मैंने बहुत सारी बीबी क्रीम लगा ली, बट दिस वन इज़ अ वेरी नाइस नेचुरल बीबी क्रीम, पॉन्स वाली, सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड्स, द वेरी फेमस सृष्टि फ्रेंड। तो और ये है, अब मैं एक नया ब्लश यूज़ कर रही हूँ फॉर अ चेंज, लैक्मे 925, और ये मेरे पास बहुत टाइम से है, मुझे मेरे भाई ने दिया था, एक उसने मेकअप किट गिफ्ट किया था मुझे राखी पे या भाई दूज पे, तो ये वो है और ये बहुत टाइम से रखा है, पता नहीं मैं क्यों यूज़ नहीं करती थी। फिर सृष्टि आई मेरे घर पे, उसने बोला भाई दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, यू शुड यूज़ दिस। तो फिर मेरे को ऐसा लगा ओह ओके, तो मतलब मेरे जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास पड़े हैं वो भी मुझे वो बोलती है कि यूज़ कर, तो बस मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, रियली लाइक इट, ये बहुत देर तक रहता है, मतलब इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। पता नहीं मैं डॉक्टर के जाने के लिए रेडी क्यों हो रही हूँ, बट आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट रूपा। वैसे भी मेरे ना वीडियो में से वो फन कॉन्टेंट मिस हो रहा था, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ गाइज, ये षड्यंत्र है ताकि वीडियो में वो आए और व्यूज आए हमारे पास, समझ लो। बस मैं रेडी हूँ, बाल तो मैं ऐसे ही क्लचर लगाऊंगी पीछे, और लिप बाम लगा लिया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे लिप बाम, कैसे सब ग्लॉस वाला वाइब देता है, और बहुत हल्का सा मेकअप कर लिया कि मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ थोड़ी सी, लग भी नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया, बट ये बहुत ही, दिस इज द एक्चुअल न्यूड, मतलब परफेक्ट न्यूड है ये मेरे लिए, दिस इज फ्रॉम L18, इतना तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो द शेड नेम, दिस इज B93 न्यूड पम्प्स, वेरी नाइस लिपस्टिक। वी आर रेडी, वील गो टू डॉक्टर, फिर देखते हैं क्या रहता है इस दांत का, कभी दांत क्या सॉरी ब्रेसेस का कभी हटेंगे भी या नहीं, देन हम आपको रूपा से मिलाते हैं, चलो। एट रूपा, अब देख भाई तेरे वीडियो में आते ही देख रौनक आ गई, इतना सैड सैड वीडियो चल रहा था, इतना मेरे से बोला नहीं जा रहा, बता दे अब कुछ इसके पहले, देख फिर घर के मैं दिखाना, अभी गाइस मेरी सर्जरी हुई है छोटू सी, बट नॉट सो छोटू, तो अभी मैं 10 डेज के बेड रेस्ट पे हूँ, मैं बहुत ही याद करती हूँ उन दोनों को और हमारे व्यूअर्स को भी, एंड मीट सिस्टर। 10 डेज के बाद ये मैडम कॉलेज नहीं आएंगी, वो एक सरप्राइज है जो आपको आगे पता लगेगा, स्टे ट्यून्ड। यूजी को और सिस्टर वाले बात तो लगी है, वो अभी याद आ गया, तो उनको क्यों बताऊं मैं, अभी बता भी नहीं रहा, कर तो सही कुछ लड़ाई हो जाती है, अब तू कर दे, प्यार ही कर दे हमको, प्लीज कर दे, तू दीदी को तो करता है, हमें भी कर दे, पिच्ची कर दे यार, प्लीज यार, तो हम कौन सी तेरी बहन को करेगा, वेरी लॉयल फॉर बहन, कह रहा है बस अपनी बहन को करूंगा, मोमेंट मुझे भी, मैं भी बहन समझ ले, मैं मेरी भी काम में लगी हुई है, नहीं तू पराई औरत है, तू इसके लिए सिर यार में लगी हुई है, पराई औरत, पुच्ची कर दे यार प्लीज यार, कोई तो पुच्ची कर दो, नो वन गिविंग अस पुच्ची, नोबडी इज गिविंग अस पुच्ची, ऐसी जीवन निकलेगा, पर हम तो जरूर कर देंगे, एवरेज टिपिकल बढ़िया गाय विद अ गोल्ड चेन, इधर आओ इधर आओ, अच्छी लगती है तुझे गोल्ड चेन, अरे इधर तो आओ, क्यों प्यारी करेगा, इस सर मिलाने में क्या मजा आ रहा है, ये हमारा भाग्य मिला रहा है, भाग्य दाता, क्या करेगा क्या करेगा, शादी कराएंगे, सिर बुढ़ाने से होगा क्या, और हमें ये कुछ बजा के ना बताए, हो ही नहीं सकता,
ऑर्केस्ट्रा अग्रवाल ऑर्केस्ट्रा में आप लोगों का स्वागत है। अरे मारेगा मारेगा, थोड़ा वायलेंट हो गया, बजाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या, मैं तो तेरा वीडियो बना रही हूँ भाई। उस दिन तू जो पीपी में बजा के ऑर्केस्ट्रा में बजा रहे थे वो भी मैंने डाला था वीडियो में। इससे बजा के दिखा दे सबको कि तू बहुत पहले मारे, शायद कुछ सही हो जाए। इस साल तो उसकी शादी में 35 में कराओगे क्या इसका ब्याह, डोकरा करा के इसको 20 साल बाद ही 35 हो जाएगा। तूने मुझे लगा तूने बोला 30 का, हाँ 25 में करा देंगे तेरी शादी करेगा कि विमान। चाय रखी हुई विमान सुन, मेर में से और सृष्टि दीदी में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? एक तो हर जगह लोग पेपराजी दोनों ही बेकार लगते हैं। वरी तो तू बहुत है, मैं क्या कितनी बच्ची शक्ल दे वीडियो बनाने तो क्या है, क्या वीडियो क्या ब्लॉग शूट हो रहा है इसमें। ये फटा देना चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू संडे। मम्मी वर्किंग, मी गॉसिपिंग विद मम्मी। हाय गाइस वेलकम टू संडे। मम्मी क्यों डांट रही हो पापा को, क्या हो गया? अरे मेरी सब्जी छूटी हुई मोगरी में किसी ने पीछे की वो डाल दी है सारी। पापा आपकी हिम्मत कैसे हुई है करने की? ना बेटा मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, इतनी देर तक बैठ के उसको मैंने साफ किया है। पापा ने किया क्या ये, और कौन करेगा पापा? ना बिल्कुल नहीं, ये देखो ये सारी इसमें से इसमें आ कैसे गई। एवरेज संडे एट एवरी ब्राउन हाउस होल्ड, नहीं करा है मुझे क्या पता किसने किया है, जबरदस्ती में। मैं तेरी मूवियों से मेरा क्या लेना देना, पीटो उनको पीटो, टाइम लगा है इसको चूटने में, पकड़ के मारो पापा को, डंडे डंडे जूत बजा दो। ये देखो गाइस हमारे संडे में यही होता है घर पे, पापा पिटते हैं मम्मी से। मारोगे क्या रात को इनको? सारे राम डंडे डाल दिए, कितनी देर तक मैंने इनको साफ की थी। ओ शिट, अब ये खाने के चक्कर में इधर की इधर पटकते जा रहे हैं बस। मैं क्यों पटकूंगा, और क्या छोटे जुटाई में मैंने उठाया बस। अब इतना ही मत डांटो भाई, गाइस दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, बल्कि ये तो कैमरा ऑन है इसलिए अभी तक पापा के जूत नहीं बजे। मारती है मम्मी आपको? मम्मी हाँ मम्मी तो मारती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है क्या आप पर? मम्मी डोमेस्टिक वायलेंस होता है मेरे पास, और क्या क्या घरेलू हिंसा से पुरुषों का संरक्षण अधिनियम 2023 बनना जरूरी है। आप कुछ कहना चाहती है क्या? चॉकलेट क्यों खाई जा रही हो मेरी, कुछ बोलना चाहती हो क्या पापा को? आप बता दो मेरे ऑडियंस को क्या आज आप कौन सी मूवी देख रहे हो और आपको कैसी लगी? आज हम OMG 2 देख रहे हैं, OMG 1 की तरह ही पुरानी फिल्म है, उसी तरह से बनाई गई है, उतनी अच्छी तो नहीं है पर चलो ठीक है, शिक्षा प्रद है ये बच्चों को। शर्मा गए, मी डूइंग असाइनमेंट। क्यों डांट रहे हो पापा मुझे? बेटा पहले अच्छी वाली पिक्चर देखो, ये क्या असाइनमेंट लगा रखा है? फिर नहीं करूंगी तो मैम मारेगी मेरे को। क्या ये कागजी कागजों में कुछ नहीं रखा, बी प्रैक्टिकल। ओह माय गॉड, मूवी नंबर 2। अब पापा हर मूवी से पहले पूछते हैं कि कब आई है, हॉल में लगी थी क्या, किस साल आई थी। पापा ये तो जवान है, तो इसके तो इतनी न्यूज आई थी। किसकी है ये? शाहरुख खान की। बंद कर दे बंद कर दे, आपको पता नहीं मेरे को कितना पसंद है शाहरुख खान। नहीं मुझे नहीं चाहिए। देख लो पापा देख लो, कहते हैं अच्छी मूवी है। पता है आपके चक्कर में मुझे हॉल में जाके एक एक मूवी देख के आनी पड़ती, फिर जो अच्छी लगती है वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको दिखानी पड़ती है। आपके चक्कर में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे। शाहरुख खान की पिक्चर नहीं देखने। गाइस क्या आपकी भी मंडे मॉर्निंग इतनी चिल्ड है? पापा लोग पता है मंडे मॉर्निंग में कितना परेशान हो रहते हैं, और आप जवान देख रहे हो सुबह सुबह। जान है तो जान है, बिना वजह परेशान होना नहीं। दो रोटी सुबह शाम मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, मस्त रहो, कमाओ मत फिर बिना किसी दबाव के। जो स्ट्रेस ले रहा है भौतिकवादी युग में, जो स्ट्रेस ले रहे हैं
उनको दिक्कत हो रही है। बताओ कि आपको जब दिक्कत नहीं, हम पुराने जमाने के स्टाइल में मस्त से खाओ पियो, पलंग पे सो जाओ। गाइस मीट मरियल विद द पिंपल पैच। सिटो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। कल तो इसका वीडियो देखते लग रहा था कि बस जाएगी बना के वीडियो, बट नाउ शी इज बेटर डूइंग असाइनमेंट्स। पापा ने कल बोला असाइनमेंट कुछ नहीं होता, मत करा करो। देख रही है, समझ रही है पापा की बोल रहे। मेरे पापा ने कब बोला असाइनमेंट मत करो? मेरे पापा ने। अच्छा, और उनको नहीं पता ना बैक लग जाती है असाइनमेंट नहीं करते। मतलब पापा मार्क्स मिलते हैं इसी से मिल रहे हैं मार्क्स। गाइस कल इतनी एंटीबायोटिक खाई कि सुबह मुझे एंटीबायोटिक ने लव बाइट। मेरे तो बिना एंटीबायोटिक के इतनी लव बाइट हो रही है। भानु यार व्यूज दे दे, तू आता ना तो व्यूज आते हैं वीडियो में। हाँ ले लियो, तो 5 रुपए तो लेगा, उससे ज्यादा क्या ही लेगा तू। जूम कर दिया मैंने तेरे मुंह पे एकदम। हाँ ये फनी तो होता है। आज मैं सुंदर लग रही थी, मैं सोचा मैं अपने आप को दिखा दूँ। जिस दिन गंदी भंडल भूतनी लग रही होती है ना, तब मैं कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ। आज मैं फिट सी लग रही हूँ, मैं बीमार लग रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भानु उसके मुंह में थूके, तो इस वीडियो को 1K व्यूज भी चाहिए और कम से कम 500 लाइक्स, 100 भी कर दो तो चलेगा। लाइक्स रहने दो, व्यूज दे दो व्यूज। मैं हम हमारी यूनिवर्सल जगह पे आ गए हैं, बट आई प्रॉमिस मैंने आज से रेजोल्यूशन लिया है हेल्दी खाने का। आज से नहीं, पर मैं ट्राई तो करूँगी थोड़ा सा यार, आई प्रॉमिस। इसलिए मैं टिफिन विफिन लेकर आई हूँ और मैं सब्जी रोटी खाऊंगी और ये मैगी खाएगी। ये खा रही है आज कचरा, नॉट मी। गाइस भानु का शोषण हो रहा है। क्या कर रहा है? हाय गाइस, मुझे भी देख लो क्योंकि मैं अपने व्लॉग में मैं ही सबसे कम देखती हूँ। बट मैंने ये सोचा था, द रीज़न मैंने यहाँ इस व्लॉग का आउटरो अभी तक इसलिए नहीं किया, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि ब्रंच हाउस तो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया है वहीं इसका आउटरो किया जाए जाके। सो अभी तक जो भी जितना भी व्लॉग बना है, आई होप मैं इसको एडिट करके डाल दूँ, वरना मेरे दोस्त मेरे को मार देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो और मैं इतनी हराम खोर हूँ कि मैं वीडियोस डालना भूल जाती हूँ, बंद कर देती हूँ, बट फिर भी यू गाइस स्टिक अराउंड। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई विल ट्राई कि अब और रियली ट्राई कि अब मैं एकदम वो रह पाऊँ, क्या कहते हो, तो कॉन्स्टेंट रह पाऊँ। सो यस, बाय, लव यू।